और अब बात गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधामोहन अग्रवाल की, जिन्होंने एक महिला आईपीएस अधिकारी के साथ सरेआम बदतमीजी की। नौबत यहां तक आ गई कि लेडी सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस चारू निगम की आंखों से आंसू निकल गए। आंखों से आंसू पोंछती चारू निगम आईपीएस अधिकारी हैं और योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में इनकी छवि लेडी सिंघम की है। लेकिन उसी लेडी सिंघम को बीच सड़क पर रोने के लिए मजबूर कर दिया बीजेपी विधायक राधा मोहन अग्रवाल ने। बीजेपी विधायक इस फटकार के बाद पहले से घायल चारू निगम अपने आंसुओं को जज्ब नहीं कर पाई। आईपीएस अधिकारी चारू निगम पर हमला उन महिलाओं ने किया था जो शराबबंदी को लेकर सड़क जाम किए हुए थी। सड़क जाम हटाने के लिए जब चारू निगम ने महिलाओं को बलपूर्वक हटाया तो प्रदर्शनकारी महिलाओं ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे बीजेपी विधायक के सामने चारू निगम सफाई देती रही, लेकिन विधायक साहब तो सत्ता के नशे में चूर थे। ना तो खाकी वर्दी की इज्जत रखी और ना ही एक महिला के सम्मान की। मौके पर मौजूद दूसरे अधिकारियों ने किसी तरह बीजेपी विधायक को शांत कराया, लेकिन सवाल उठता है कि अगर योगी आदित्यनाथ के विधायक इस तरह से कानून के रखवालों को आंसू पोंछने के लिए मजबूर करेंगे तो फिर योगी के कानून के राज के सपने का क्या होगा? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।